देश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट अब और तेजी के साथ सुनाई देने शुरू हो चुकी है। 14 दिन पहले जो केस 1 लाख के आसपास थे, वो केस उनकी संख्या 3 लाख के पार जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 3,17,000 से ज्यादा कोविड के नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हालांकि दिल्ली NCR की बात करें तो यहां पर संक्रमण दर लगातार घटती जा रही है। हालांकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि कोविड टेस्टिंग भी दिल्ली NCR में घट चुकी है, जिसके बल चलते अब कोविड के जो नए केस हैं उनकी संख्या कम आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में खतरा कोविड का लगातार बढ़ता जा रहा है। जो तमाम वैज्ञानिक हैं उनका ये दावा है कि तीसरी लहर को लेकर अभी कुछ कहना ये बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना साफ है कि कोविड की तीसरी लहर जरूर आएगी। लेकिन जितनी तेजी के साथ लगातार केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं और साथ में दावा कर रहे हैं कि ये लहर आकर ही रहेगी। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि कोविड की जो पीक थी दिल्ली में वो खत्म हो चुकी है, मुंबई में जो पीक थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन देश की बात करें तो देश में 25 से 30 तारीख के बीच में कोविड की जो पीक है वो देखने को मिल सकती है और इस दौरान केस 10 लाख के करीब भी पहुंच सकते हैं। तो तमाम तरह की बातें लगातार कही जा रही है, लेकिन इतना साफ है कि कोविड के जो मामले जितनी तेजी के साथ बढ़े हैं उससे लगातार एक बार फिर से डर का माहौल लोगों में देखने को मिल रहा है। 24 घंटे के आंकड़े बताते हैं कि कोविड की लहर सुनामी में बदलने की आशंका है। आज कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। 8 महीने के बाद एक दिन में संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। 14 दिन पहले एक दिन में 1 लाख मरीज सामने आए थे, अब आज एक दिन में 3 लाख मरीज आना ये बड़ी बात है। और इसके साथ ही 24 घंटे के में जितने केस नए सामने आए उसके साथ ही मौतों की जो संख्या है वो भले ही कम है, लेकिन एक्टिव केसों की संख्या एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। 1 जनवरी की बात करें तो उस वक्त 1 लाख से कम एक्टिव केस थे, लेकिन आज एक्टिव केसों की हम संख्या की बात करें तो 15 लाख से ज्यादा नए एक्टिव केस हो चुके हैं। करीब 18 लाख के आसपास फिलहाल देश में एक्टिव केस हैं और इसकी वजह से चिंताएं एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन ICMR ने एक हिदायत के तौर पर तमाम लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी सभी को सावधान रहने की जरूरत है। सभी लोग मास्क लगाएं, जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन जरूर लगवा लें। इसके साथ ही लोगों से लगातार ये अपील की जा रही कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि तीसरी लहर पर काबू पाया जा सके।